भगवान फिर रथ के पहिया लेकर के भीष्म वनवास के समय कामा के वहां कहीं पंच पांडव रह रहे हैं, खबर मिल गया है कौरव दुर्योधन आदि को जो वहां रह रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या जगाने के लिए दुर्योधन ने बहुत रथ और सजा के बहुत सुंदर अपने वैभव अपने स्त्रियां को अद्भुत अद्भुत सब दिव्य दिव्य गहना में सजा धजा करके सब लेके उनको मन में ईर्ष्या जगाने के लिए गए हैं, वहां से जा रहे हैं सजा बाजा लेकर के प्रमोद भ्रमण करने के लिए। तो जा रहे हैं, सुने हैं यहाँ पंच पांडव रह रहे हैं तो वो लोग जलेंगे, हमारे वैभव देख करके वो लोग जंगल में फल मूल खा के जीवन व्यतीत करता है, हमारे वैभव देख करके उनके मन में जलन हो गए, जलन पैदा करने के लिए वैभव दिखाने के लिए सेना वना ले करके गए हैं। जा करके एक बगीचा था, उनका नाम क्या है, विद्याधर गंधर्व, विद्याधर गंधर्व का एक सुंदर बगीचा था। तो जितने स्त्रियां हैं सब कह रहे हैं देखो कितना सुंदर फूल खिला है, इतना सुंदर बगीचा तो देखने में आता नहीं है, थोड़ा तो फूल ला दो ना। तो दुर्योधन ने कहा भाई सेना भेज दिया, जाओ जा करके गंधर्व के वहां जाओ, जा करके फूल लेके आ जाओ। तो जब गए हैं सेना दो चार भेज दिए हैं, फूल चाहिए कुछ फूल लेना है, तो सेना लोग कहते हैं ये चित्ररथ, चित्ररथ गंधर्व, चित्ररथ गंधर्व का ये बगीचा है, यहाँ फूल लेना माना है। जानते हो किसने ऑर्डर किया है? दुर्योधन ने, महामहिम राजा दुर्योधन ने हमको भेजा है, उनके ऑर्डर है। बोलता है जाओ 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 जाओ, यहाँ दादागिरी नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से, ज़्यादा दादागिरी यहाँ नहीं दिखाना। घुसने नहीं दिया, जाके कहते हैं हुजूर हम लोग उनको घुसने नहीं दिया, इतना बड़ा बलशाली है फटकार के निकाल दिया। बोलता है नहीं यहाँ ऑर्डर नहीं है जाने का। बोलता है जाओ 10-20 सेना भेज दिया, जाओ भीतर में जा करके बगीचा तोड़ फोड़ के फूल ले आओ, जितना मन चाहे फूल ले आओ, देखो कौन क्या बोलने वाला है। तो सेना जा करके तो उन दो जो दारवान था उसको धक्का मार करके थप्पड़ मार के हटा करके बगीचा में जा करके सब फूल फूल जितना सुंदर सुंदर फूल है बगीचा नष्ट भ्रष्ट करके गुस्सा के मारे दिखाने के लिए फूल ले आए हैं। इधर खबर पहुंच गया चित्ररथ गंधर्व के पास, चित्ररथ गंधर्व आ गए हैं जो हमारा बगीचा नष्ट कर दिया, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे दुष्ट इतना बड़ा हिम्मत है जो बिना पूछे हमारे बगीचा के भीतर प्रवेश करके हमारा बगीचा नष्ट कर दिया, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। युद्ध छेड़ गया, चित्ररथ गंधर्व दुर्योधन आदि को बंदी कर लिया, बहुत बलशाली था, बंदी करके पेड़ के साथ बांध दिया। तो यहाँ दादागिरी दिखाने आए हैं, अब दादागिरी दिखा रहा हूँ, सीधा गंधर्व लोग ले जाएंगे तुम्हारा, दादागिरी छुड़ा के तब दिखाएंगे तुमको तुम कितना बड़ा दादा बन गए हो। अब पेड़ में बांध के रख दिया, अब क्या करें भाई। तो मैया जो है दो चार दुर्योधन के पत्नी दुशासन के पत्नी जो अभी बचने का एक ही उपाय है, यहाँ पंच पांडव निवास कर रहे हैं उनको जाके बोलो जी ऐसे ऐसे हैं, चित्ररथ गंधर्वों ने बंदी करके रख दिया तो वो लोग आके हमको छुड़ा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है, ये तो पकड़ के गंधर्व लोग ले जाएंगे, बहुत झमेला हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अपमान भी बहुत भारी हो जाएगा। तो घूंघट दे करके दुर्योधन के पत्नी दुशासन के पत्नी रोते रोते हूँ करते करते जहाँ पंच पांडव बैठे हैं वहाँ जा करके रो रहे हैं। अरे माँ, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं माँ तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कमी है, बताओ जल्दी बताओ। नहीं हम तो दुर्योधन के पत्नी हैं, हम तो दुशासन के पत्नी हैं। नहीं क्या हो गया, रो क्यों रही हो। नहीं ऐसे चित्ररथ गंधर्व ने हमारे पति पतियों को सब बंद करके रख दिया, पेड़ के साथ बांध के रख दिया। बोलते हैं बोलते क्या कारण क्या है, बोलते ऐसा बगीचा नष्ट कर दिया, गुस्सा के हमारे चित्ररथ गंधर्व को आकर के सबको बंदी बना लिया है। आप युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भाई भीम, भाई अर्जुन,
हम लोग रहते रहते ऐसे हमारे खानदान का इतना बड़ा अपमान, हमारे भाई को बांध के रख देगा चित्रत गंधर्व को, इतना हिम्मत हो गया, भाई जाओ जल्दी। भीम कहते हैं भैया अर्जुन, भैया का दिमाग खराब हो गया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या दिमाग खराब हो गया, अरे जो काम हमको करना था वो काम चित्ररथ ने कर दिया, झमेला मिट गया, झमेला ही तो मिटाना था तो मिटा दिया है, फिर झमेला बढ़ाने का क्या जरूरत है, उनको छुड़ा करके फिर नया झमेला पैदा करेंगे। भैया का दिमाग बड़ा खराब हो गया, भाई अर्जुन भैया का दिमाग ही आउट हो गया, नहीं देखो जो काम हमको करना था, लड़ाई करना था, ये करना था, वो काम चित्ररथ गंधर्व ने कर दिया, झमेला मिट गया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं देखो भाई ऐसा नहीं है, जब बाहर के साथ लड़ाई होता है ना तो ये हमारा खानदान का सवाल है, तो हमारे खानदान की इज्जत के लिए हम लोग 105 भाई हैं और बाहर के जो हैं अलग है, उस समय हम लोग एक हैं, क्यों, ये हमारा खानदान का मामला है, और जब भीतर भीतर लड़ाई है तो वो लोग 100 हम लोग 5, ये हमारा खानदान का इज्जत इज्जत की सवाल है। ओ बात तो सही है भाई अर्जुन, चल भाई चल तैयार होकर चले गए गंधर्व के साथ, लड़ाई छेड़ दिया, तुम हमारे भाई को छोड़ दो, तो लड़ाई छेड़ दिया, चित्ररथ गंधर्व पराजित हो गया। चित्ररथ गंधर्व कहते हैं भाई तुमसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारा भाई दादागिरी किया है इसलिए हम बांध करके रख दिए हैं, तुम्हारे साथ हमारा तो कोई लड़ाई नहीं है, तुमसे हम क्यों दुश्मनी करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, नहीं हमारा भाई को छोड़ दो, कोई बात नहीं हम छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई को कह दो ऐसे दादागिरी ना दिखाए दोबारा कभी आकर के। छोड़ दिया, अब दुर्योधन दिखता है तो बहुत भारी अपमान हो गया, भारी अपमान हो गया, अरे जिनको वैभव दिखाने के लिए आए थे वो हमको वैभव दिखा दिया, ताकत का वैभव दिखा दिया, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना मर्यादा रखने के लिए कहते हैं भीम को जे भाई तुम हमसे कोई बर प्रार्थना करो, बोलो तुम्हारा राजपाट हम दे दें, माने इज्जत इतना बड़ी चीज है ना, वो सब देने के लिए तैयार है फिर भी इज्जत रहना चाहिए, क्षत्रिय का इज्जत, ये इज्जत को ज्यादा प्राधान्यता देते हैं ना, बोलो तुमको हम जो तुम्हारे साथ हमारा दुश्मनी सब मिटा देंगे, तुम्हारा राज तुमको लौटा देंगे, तुम कहो तो हमारा राज भी तुमको दे देंगे, तुम सिर्फ हमसे कोई बार प्रार्थना करो, बोलो क्या चाहिए। तो भीम कहते हैं राज तो हम अपना ताकत के बल पर छीन लेंगे, सूर से क्या मांगेंगे, वो तो हम अपने बल पर ताकत के बल पर वो तो हम खुद ही छीन लेंगे तुमसे, तुमसे मांग के हम लेंगे ऐसा जरूरत नहीं, भाई हमारा कर्तव्य था लड़ाई करके हमने हमारा जो काम हो गया है तुम जाओ। बोलता है फिर भी भाई बताओ कुछ तो मांगो, तो अर्जुन कहते हैं भाई कभी जरूरत होगा तो देखेंगे, अभी हमारा कोई जरूरत नहीं है। वो लोग चले गए हैं, इधर जैसे लड़ाई तो छेड़ गया, खूब लड़ाई चल रही है, अब बहुत दिन कई दिन हो गया, 18 दिन का लड़ाई कई दिन हो गया है, और भीष्म पितामह देखते हैं ये भी हमारा अपना है, पंच पांडव भी हमारा अपना है, लड़ाई में कोई दम नहीं। तो एक दिन दुर्योधन आकर के पितामह भीष्म को कह रहे हैं दादाजी एक सही बात बताऊं, बोले बताओ, बोले आपका अभी दम नहीं है, आप वृद्ध हो गए हैं, आपको सेनापति बनाए हैं लेकिन कोई दम नहीं है, आपको बना करके सेनापति बना करके हमने बहुत भूल किया है, नहीं तो इतना दिन हो गया लड़ाई कोई जीतने का कोई संभावना ही दिखता नहीं है, आप वृद्ध हो गए ना, सही बताऊं तो दादाजी आपका वो ताकत है नहीं, बार बार ये वृद्ध और ताकत है नहीं कहते कहते भीष्म पितामह ऐसे ही तो थोड़ा सा दुखी थे जी, पंच पांडव के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वो हमारे निजी जन है, अरे लोग दूर जन है, इनका अन्न खाए हैं इसीलिए हमको मजबूर होकर इनके साथ देना पड़ा, अन्न खाए हैं ना, नाराज तो ऐसे ही थे। बोलते बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, हमारे शौर्य पीढ़ी जो क्या देखना चाहते हो बोलो, अभी तक पंच पांडव जिंदा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हारने का कोई संभव नहीं दिखता नहीं है, तो बड़ा गुस्सा आ गया, क्या की है पास बाण लेकर के मंत्र पुत्र किए हैं, काल रणभूमि में पंच पांडव का हम संहार करेंगे, ए पास बाण मंत्र पुत्र करके रख दिया। आप दुर्योधन बहुत खुशी हो, भीष्म का प्रतिज्ञा, भीष्म का गुस्सा के मारे
चले इस पर उस पर जो होगा होगा, इस पर उस पर मरे चाहे जिए चाहे, गुस्से का मारे कह दिया, मंत्र पुत्र करके प्रतिज्ञा किया रणभूमि में हम काल पंच पांडव को संहार करेंगे। ये पांच बाण से दुर्योधन खुश होकर लौट गए। इधर खबर पहुंच गया पांडव शिविर में, वहाँ क्या होता है धर्म लड़ाई तो दिन में लड़ाई करते हैं, रात में सब आपस आपस में सब बातचीत करते हैं, ये उसके दुश्मन ही दूसरा शिविर में जाते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं व्यवहार करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं कोई अशांति नहीं, लेकिन सुबह होते ही लड़ाई शुरू हो जाता है, ये धर्म युद्ध है। तो सब पांडव शिविर में चिंता में पड़ गए हैं क्या किया जाए क्या किया जाए। कृष्ण आए हैं, अर्जुन कह रहे हैं भाई कृष्ण अब तो काल तो मृत्यु है, बोलता है क्या हो गया, नहीं ऐसे भीष्म ने प्रतिज्ञा किए हैं, वो सब भीतर भीतर खबर चल जाता है, खबर हो जाता है जो ये ऐसे प्रतिज्ञा किए हैं पांच बाण रखे हैं, बोले पांच बाण रखे हैं पास हम पांच भाई को संहार करेंगे। बोलता है दूर कुछ नहीं होगा तुम चिंता मत करो, चिंता की कोई बात ही है नहीं। अरे चिंता की बात नहीं, भीष्म के प्रतिज्ञा चिंता की बात नहीं है, बोले ना ना कोई चिंता की बात नहीं है। अरे देख भाई कृष्ण तुम भाई बड़ा मजाक करते हो, इस समय ये संकट के समय तुम ऐसे मजाक कर रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। बोलता है देखो मैं एक युक्ति बताता हूँ, उस युक्ति से काम करो फिर जाके कोई चिंता नहीं है। तो क्या करेंगे, बोलते हैं देखो तुम काल जाके तुमको एक वर देने के लिए दुर्योधन कहा था ना, बोले हाँ, बोले तुम काल जाकर के दुर्योधन के पास जाकर के बोलता हम वो वर तुमसे मांगने के लिए आए, तो दुर्योधन कहेंगे युद्ध बंद कर दो ये कर दो, तुम्हारा राज ले लो सब देने के लिए तैयार है, तो मैंने कुछ नहीं है तुम्हारा मुकुट, दुर्योधन का मुकुट था बहुत कीमती हीरा मोती जहरत से मोरा हुआ, मैंने लाखों राजाओं के अंदर से मुकुट देखकर पहचान हो जाता है जो ये राजा दुर्योधन है, मुकुट का पहचान इतना कीमती मुकुट था, हीरा जवाहरात से बड़ा हुआ चकमक एकदम जम जमाता है, बिल्कुल दर्शन मात्र ही आंख में झलक लग जाता है। बोले वो मुकुट को मांग के लिए आना, बोले मुकुट से क्या होगा, मुकुट लाने से क्या होगा, समस्या क्या समाधान है, तुम देखो कृष्ण तुम बड़ा मजाकिया हो ऐसे ऐसे मजाक करते हो। बोलते नहीं तुम जाओ ना जाके मांग के लाना है। बोले फिर क्या होगा, बोले फिर हम बताएंगे, अरे मैं तो बताऊंगा ना तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्या करे। अर्जुन गए हैं जा करके दुर्योधन के पास, दुर्योधन कहते भाई आ जाओ बैठो बैठो, कैसे भाई क्या कारण आए हो क्या चाहिए बताओ, नहीं तुम एक वर देने के लिए हमको तैयार हो गए थे ना, तो वो वर मांगने के लिए हम आए हैं। बोले क्या बार मांगो मांगो जल्दी मांगो, राज पर तुम ले लो युद्ध समाप्त कर दो, तुमसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है, मैंने अपने इज्जत बचाने के लिए सब कुछ तैयार रहते हैं वो लोग क्षत्रिय, अपने इज्जत को बहुत मान्यता देते हैं। तो बोलते हैं भाई तुम्हारा मुकुट को हमको दो। दुर्योधन तो एकदम बिल्कुल ओह कितना बड़ा भार निकल गया, अरे भाई ये छोटा सा वस्तु ले भाई मुकुट लेके चले आए हैं शिविर में। कृष्ण के पास आए, कृष्ण कहते हैं भाई ये तो मुकुट लाए आप क्या करें, बोलता तुम एक काम करना रात को जब भीष्मदेव शिविर में सो जाएंगे तो गभीर रात्रि में तुम जाना, जाके तुम धीरे धीरे बोलना जी दादाजी वो पास बाण आप ठीक से रखे हैं ना, तो तुम्हारा मुकुट देख के वो समझेंगे जो दुर्योधन है, तो दुर्योधन समझ करके ही तुमसे बात करेंगे, तो तुम बोलना जो आप तो वृद्धावस्था हैं उतना स्मृति शक्ति तो कम हो गया है, कहाँ रखे हैं ना जाने भूल जाएंगे, झमेला हो जाएगा आपका प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा, इसीलिए आप वो बाण को हमारे पास दीजिए हम राख देंगे सुबह उठ करके आप ले लीजिए तो हम निश्चिंत तो हो जाएंगे, और आस्ते आस्ते फिश फिश करके ऐसा नहीं जो गले का आवाज पहचान ना पाए, रात्रि का मामला है ना, तो मध्य रात्रि में भीष्मदेव सो रहे हैं, अर्जुन गए हैं जाकर के कहते हैं दादाजी दादाजी आंख खोल के देखते हैं अरे वही मुकुट है दुर्योधन का, दुर्योधन तुम्हें इस रात को क्या समझ के आए हो, दादाजी मैं कह रहा हूँ वो पांच पान कहाँ रखे हैं,
बोले ये तो हमारे तकिया के नीचे, नहीं 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 वो लोग दुष्ट हैं, ना जाने क्या क्या दुष्टता करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, चोरा के भी ले जा सकते हैं, आप हमारे पास दीजिए, हम रख देंगे सुबह उठ करके, आप ले लीजिए। हाँ ये बात अच्छा है, झमेला मिट जाएगा, लो तुम ही रखो। लेके सीधा चले आए हैं पांडव ही निकाल दिया। भीष्टदेव सुबह उठे हैं, दुर्योधन आए हैं, आज बहुत खुशी के दिन है, आज पंचों पांडव को निधन करेंगे, समाप्त करेंगे पंच पांडव को, बहुत खुशी है, हंसते हंसते आए हैं दुर्योधन, दादाजी पासवान ठीक से रखे हैं? क्या मजाक करते हो तुम, क्या मजाक करते हो हमको वृद्ध जान करके, तुम मजाक कर रहे हो हमसे? नहीं मजाक नहीं, आप तो तकिए के नीचे रखे थे ना, ठीक है ना, फिर मजा कर तुमको नशा करके आया है क्या? समझ में नहीं आ रहे हैं दादाजी आप क्या कहना चाहते हैं, अरे तुम नशा करके आए होगा तो क्या बात है बोलिए ना, ना रात को आके तुमने भांड लेके चले गए, ये हमारे पास रखेंगे, सुबह आप ले लेना, हम तुमको दे दिया। तो दादाजी हम तो रात को आए ही नहीं है। अरे तू झूठ बोलता, तुम्हारा मुकुट, वो मुकुट देख करके तो पहचान होता है, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, वो मुकुट तो किसी का है नहीं संसार में, वो दुर्योधन का ही है वो मुकुट। अरे सत्यता शुक्रिया दादाजी, जो ना करके मुकुट मांग के लिए। तो भीष्मदेव एकदम आग बबूला हो गया। ये कृष्ण का प्रलोचन है, इतना दिमाग और किसी का है नहीं। उस समय प्रतिज्ञा करते, हे कृष्ण तुमने प्रतिज्ञा, तुमने हमारा प्रतिज्ञा को नष्ट किया, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं, काल तुमको अस्त्र धारण करा के ही छोड़ूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। बस दूसरा दिन रणभूमि में इतना बाण का बौछार कर दिया, बाण से एकदम अर्जुन तहस नहस हो गया, इधर उधर बाण कहाँ चलाएंगे, खाली इधर उधर करते करते एकदम खून से लथपथ हो गया, और कृष्ण भी रात एक बार इधर एक बार उधर करते करते कृष्ण भी परेशान हो गए, दिखता ही नहीं, सिर्फ बाण है बाण, बौछार कर दिया बाण का बौछार। इतना में अर्जुन पीछे बोलते हैं, सखा कृष्णो हमारे अंतिम समय आ गया, हम तो गए, बोल करके रात के ऊपर गिर गए, पीछे मुड़ के दिखते हैं खून से लथपथ अर्जुन गिर गए। भक्त को मान रक्षा के लिए भगवान फिर रथ के पहिया लेकर के, भीष्म आजा मैं तेरे को दिखता हूं। बस भीष्मदेव कहते हैं बस हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, तुमको अस्त्र धारण करना था, तुमने धारण किया, तुम्हारा प्रतिज्ञा भंग किया, हाँ भी कृष्णो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको लड़ाई करना है नहीं, हमको विजय प्राप्त करना है नहीं, आज तो हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, तुम्हारे प्रतिज्ञा को हम तोड़े हैं।